वेलकम टू शिवीज क्लासेस। और आज के वीडियो में हम देखेंगे बच्चों को ए साउंड वर्ड्स कैसे पढ़ाएं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वॉवल्स पढ़ा के बताया था कि बच्चों को वॉवल्स कैसे पढ़ाना है। तो 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो सबसे पहले हम लोग ए साउंड्स के वर्ड्स पढ़ेंगे कि ए साउंड में कैसे कैसे वर्ड्स बच्चों को 3-लेटर वर्ड्स कैसे इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। 3-लेटर वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम सीवीसी वर्ड्स भी बोलते हैं। सीवीसी मीन्स कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट। इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग में एक कॉन्सोनेंट होता है, बीच में एक वॉवल आता है और फिर लास्ट में कॉन्सोनेंट करके 3-लेटर वर्ड्स बनाए जाते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड्स से ही स्टार्टिंग करते हैं बच्चे और फिर वो धीरे धीरे रीड करना सीखते हैं। तो ए साउंड वर्ड से इतने सारे वर्ड्स, मतलब इतने सारे लेटर्स हैं जो फॉर्म हो सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं ए बी साउंड, ए डी साउंड, ए जी साउंड, ए एम, ए एन, ए पी, ए आर, ए टी। तो इतने सारे जो लेटर्स हैं इनसे हम लोग वर्ड्स बना सकते हैं। तो इन्हें बच्चे पढ़ेंगे कैसे, मैंने एक फोनिक्स पे भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो मेरा देखें तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि ए को ए बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, सी को क बोलते हैं। तो वहां बच्चे वो चीज़ नर्सरी से सीखते हैं, एलकेजी में भी उन्हें फोनिक्स सिखाए जाते हैं। तो फोनिक्स अगर उन्हें आता होगा तभी वो ये सीबीसी वर्ड्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, उन्हें ये चीज आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ए बी वर्ड। ए बी में क्या होता है, ए का ए प्लस बी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब, ए ब। नेक्स्ट ए बी को ड, ए ड। ए का ए प्लस जी का ग, जी को ग पढ़ते हैं, ए ग। ए म, एम को म बोलते हैं, ए म। ए न, ए एन, ए न। ए पी, ए प, एप। ए टी, ए ट, एट। अब यहाँ पे ये जो ए आर वर्ड है ये थोड़ा डिफरेंट साउंड क्रिएट करता है। यहाँ पे हम लोग ए को ए नहीं पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा कोई वर्ड आता है जिसमें ए के बाद आर लिखा होता है तो ए के साथ अगर आर लिखा है तो हम उसको ए ना पढ़ के उसको आ पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग आर पढ़ेंगे। इसमें कोई भी ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि क्यों हम लोग आर पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है बट उन्हें डिफरेंट प्रोनाउंसिएट करते हैं, या कोई भी चीज़, मतलब कोई भी वर्ड है वो डिफरेंट साउंड। अब जैसे हम लोग यहाँ पे ए एस पढ़ेंगे, सपोज ए आर वॉर है, ठीक है, इसको हम लोग डब्ल्यू ए आर, इसको वार नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे वॉर, ठीक है। अब वहीं पे अगर बी ए आर लिखते हैं तो इससे हम लोग पढ़ेंगे बार, बट इसका कोई भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो थोड़ा डिफरेंट प्रोनंशिएट होते हैं और उसका कोई भी रीजन नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं ए साउंड वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड आते हैं। फर्स्ट इज ए बी साउंड, एब, सी ए बी। अब इसको हम लोग तो ऐप पढ़ते हैं, अब ऐप के आगे अगर सी लगा दें तो सी को क्या पढ़ते हैं, क, तो क्या हो जाएगा, सी ए बी, कैब। नेक्स्ट डी लगा दिए हैं ऐप के आगे तो ड, डैब। फ, ऐप, फैब। ल, एल को ल पढ़ते हैं, ल, ऐब, लैब। ट, ऐब, टैब। तो बच्चे यहाँ पे 4-4 टाइम्स ये सेम वर्ड्स लिखेंगे तो उनको थोड़ा प्रैक्टिस होगी कि वो कैसे ये चीज़ें लर्न करें। उनको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर वो बोल बोल के लिखेंगे तो उन्हें ये सारे वर्ड प्रैक्टिस में आ जाएंगे। नेक्स्ट ए डी साउंड, एड, ब, एड, बैड। ड, एड, डैड। ह, एड, हैड। ल, एड, लैड। नेक्स्ट म, एड, मैड। स, एड,
सैड, ए जी साउंड, ए जी को हम लोग एग पढ़ते हैं तो एग के आगे ब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब एग बैग, ल एग लैग, र एग रैग, स एग सैग, डब्लू को व पढ़ते हैं व एग वैग, ट एग टैग। नेक्स्ट ए एम साउंड एम, ए एम को क्या पढ़ेंगे एम, ड एम डैम, ज एम जैम, र एम रैम, स एम सैम, य एम यम। नेक्स्ट ए एन साउंड ब एन बैन, क एन कैन, ड एन डैन, फ एन फैन, म एन मैन, प एन पैन, र एन रैन, ट एन टैन, व एन वैन। नेक्स्ट एपी साउंड, एपी को एप, सी ए पी क एप कैप, ग एप गैप, ल एप लैप, म एप मैप, न एप नैप, ट एप टैप। नेक्स्ट एटी साउंड, एटी को क्या पढ़ेंगे एट, ब एट बैट, क एट कैट, फ एट फैट, ह एट हैट, म एट मैट, र एट रैट, स एट सैट। एंड नेक्स्ट इज ए आर वर्ड, मैंने आपको बताया ए आर को हम लोग आर पढ़ते हैं एर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो बी ए आर, ब आर बार, क आर कार, फ आर फार, ज आर जार। तो यहाँ हो गए ये सारे ए साउंड वर्ड्स हो गए। आप बच्चों को ये सारे वर्ड्स पहले रीड कराइए और फिर उन्हें बोलिए कि वो इसे सेम टू सेम यहाँ पे लिखें और बोल बोल के लिखें। वो बोल बोल के लिखेंगे तो उन्हें ये सारी स्पेलिंग्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें धीरे धीरे ये रीड करना आ जाएगा। अब ए साउंड पढ़ने के बाद बच्चों को आप कुछ वर्कशीट्स टाइप की, इस टाइप के क्वेश्चंस बना के दे सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनाए हैं क्योंकि अभी हमने सिर्फ ए साउंड वर्ड देखा है। जब हम पूरे वॉवल्स वर्ड्स पढ़ लेंगे, लाइक ए ई आई ओ यू, फाइव वॉवल्स वर्ड्स पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको बहुत सारी वर्कशीट्स प्रोवाइड कराऊंगी अपने चैनल पे, तब वो वर्कशीट आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी वर्कशीट, मैंने सिर्फ टू ही क्वेश्चंस लिए हैं, मैच द सेम वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इसी वर्ड्स को मैंने यहाँ ऊपर नीचे करके लिखा है। आप बच्चों से बोलिए कि सेम वर्ड्स को मैच कराएं। और यहाँ पे लुक एट द पिक्चर एंड राइट द वर्ड, यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हैं और बच्चों को वो वर्ड लिखना है, लाइक बैट बैग जैम कैट कैप हैट बार फैन यम एंड टैग। तो ये हो गया ए साउंड वर्ड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ई साउंड वर्ड्स पढ़ाऊंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें, क्योंकि तभी आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। मेरे चैनल पर मैं आपको पूरे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर रही हूँ फ्रॉम नर्सरी टू क्लास थ्री। तो अगर आपको किसी भी क्लास का कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।